कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन जारी किया है, जिसके चलते लोगों को घर में ही रहने का आदेश दिया गया है, किंतु लोग इसका पालन नहीं कर रहे, जिसके चलते पुलिस द्वारा ड्रोन से अब लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। बर्डी से डीसीपी ट्रैफिक विक्रम साली के हाथों ड्रोन को उड़ाया गया है। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में ही रहकर पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, ऐसा अगर आपका मानना है तो वो बात कुछ हद तक सही भी है, किंतु इसकी सच्चाई देखी जाए तो आज भी कुछ लोग बड़ी संख्या में टहलने घर से बाहर निकलते हैं। लॉकडाउन के चलते घूमना फिरना इसलिए मना है क्योंकि कोरोना महामारी का संक्रमण बड़ी तेजी से पनप रहा है। लॉकडाउन के चलते पुलिस भी लोगों से बार बार घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, कहीं कहीं पुलिस डंडे भी दे रही है, तो वहीं कुछ बेशर्म लोगों को लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर उनसे उठक बैठक भी करवा रही है, या फिर उनके गले में माला पहनाकर उन्हें गलती का एहसास भी पुलिस करा रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घरों से बाहर निकलकर बिना मास्क लगाए, बिना किसी लॉकडाउन का पालन किए बड़ी संख्या में एकत्रित आते रहते हैं। ऐसे लोगों से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। आखिरकार नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय इनकी संकल्पना से ड्रोन सर्किट फेस तैयार किया है। ये वो ड्रोन है जो 200 मीटर तक ऊंचाई से कैमरे के जरिए विजुअल ले सकता है तथा 1 किलोमीटर तक का सफर भी कर सकता है। पिछले 3 दिनों से वायरलेस वॉकी टॉकी प्री लोडेड तरीके से बनाया गया ये ड्रोन काफी मददगार पुलिस के लिए साबित हो रहा है। इस बारे में डीसीपी ट्रैफिक विक्रम साई इन्होंने जानकारी दी। अभी नागपुर शहर के वायरलेस डिपार्टमेंट की तरफ से 2 ड्रोन कैमरे हमने तैयार किए हैं। एक वॉकी टॉकी बेस्ड है, एक प्री लोडेड है, और जहाँ भी कंजेस्टेड एरिया है नागपुर सिटी में, यहाँ वो फ्लाई किया जाएगा। उसकी रेंज 1 किलोमीटर तक है और हाइट तकरीबन 200 फीट तक है। मॉनिटरिंग का हम प्रयास कर रहे हैं और भी इसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी थी उसमें एक्सपेरिमेंट करके हमारे खुद हमने नागपुर सिटी के वायरलेस डिपार्टमेंट ने ये इनोवेटिव किया है। मेनली जहाँ कंटेनमेंट एरिया है और कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ हम जा नहीं सकते, वहाँ इसका हम यूज करेंगे। बर्डी से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज नागपुर।